व्हाट्स अप दोस्तों, कार्सिनोजेनिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रंजन शर्मा एंड आज आप मेरे साथ एक बहुत ही आसान तरीके से गाड़ी चलाना सीखने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया पता लगने वाला है। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इससे बेटर कोई नहीं सिखाएगा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स अगर हम कवर कर ले तो ये आपका स्टेयरिंग आ गया, दिस इज़ योर गेयर बॉक्स, ये आपके एयर कंडीशनिंग कंट्रोल्स आ गए, ये है आपका स्पीडोमीटर, ये आपका इंडिकेटर स्टॉक्स फॉर राइट फॉर लेफ्ट। इन तीन चीज़ों पे, ये जो तीन पैडल्स हैं इन पे आपकी ड्राइविंग बहुत ज़्यादा डिपेंड करने वाली है। ये है आपका एक्सेलरेटर, ये ब्रेक एंड दिस इज़ योर क्लच। अब एक चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है वो ये है कि एक्सेलरेटर एंड ब्रेक आपने हमेशा अपने राइट फुट से ऑपरेट करने हैं एंड जो आपका क्लच है वो आपने हमेशा लेफ्ट फुट से ऑपरेट करना है। दूसरा पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है वो ये है कि आपका जो फुट है राइट फुट वो हमेशा एक्सेलरेटर एंड ब्रेक के बीच में होना चाहिए। अब इसका आपको बेनिफिट क्या होगा, यहीं से आपने ब्रेक दबा दी, यहीं से आपने एक्सेलरेटर दबा दिया, इससे होगा क्या, जो इमरजेंसी स्टॉप्स होंगे उसमें जैसे आप सपोजिंग यहाँ से रेस दे रहे हैं तो आप सीधा यहाँ से उसको ब्रेक मार सकते हैं, बजाय कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखिए ये आपने रेस दी एंड इमरजेंसी स्टॉप आया तो उसमें आपको ऐसे रखना पड़ेगा, आप ऐसे भी नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा सा ऑड हो जाएगा एंड इसमें बैलेंसिंग आपके पैर की थोड़ी सी ख़राब डेफिनेटली होएगी। तो आपने करना क्या है, एक्सेलरेटर एंड ब्रेक के बीच में अपना पैर रखना है एंड पैर के जो आपके हील की पोजिशनिंग है वो उस तरह से होनी चाहिए कि एक्सेलरेटर एंड ब्रेक दोनों आपकी विद इन रीच हैं। अब एक चीज़ जो आपको हमेशा से ध्यान में रखनी है कि आपकी सीटिंग पोजीशन एकदम कंफर्टेबल होनी चाहिए, आपके सारे कंट्रोल्स स्टीयरिंग एक्सेलरेटर क्लच ब्रेक एंड गियर्स ये सारे आपके विद इन कंट्रोल होने चाहिए। तो आपको सीट उसी हिसाब से रखनी है कि सारा कुछ आपके विद इन रीच हो। जैसे मेरा रेफरेंस पॉइंट ऐसे होता है कि मैं यहाँ से जितनी मेरी फुल बाजू आती है उतनी लेंथ पे मैं सीट को कर लेता हूँ एंड इट्स फाइन फॉर मी। ये एक्सेलरेटर मेरी रीच में है, क्लच पैडल मेरी रीच में है, ब्रेक मेरी रीच में है एंड गियर्स ऑफ कोर्स इट्स विद इन रीच। अब ये देखिए, ये आपका गियर लीवर है, ठीक है, ये हर गाड़ी का स्टैंडर्ड होता है इंडिया में जो कि मैनुअल गियर शिफ्ट्स वाली गाड़ी है। दिस इज़ योर फर्स्ट गियर, दिस इज़ योर सेकेंड गियर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस इज़ योर रिवर्स। ये आप देख सकते हैं कि ये पैटर्न भी बना हुआ है। जो ये वाली सेंटर पोजीशन है ये आपका न्यूट्रल गियर है जिसमें ये गियर अब है, ठीक है, यहाँ से आपने आगे को डालना है फर्स्ट गियर, जैसे कि ये डीमार्केटेड है, वहाँ से नीचे सेकंड, थर्ड एकदम सीधे आ जाएगा, फोर्थ भी स्ट्रेट बैकवर्ड्स है, फिफ्थ गियर इधर को एंड रिवर्स भी आप देख सकते हैं कि फिफ्थ गियर के ऑपोजिट है। अब एक चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि गाड़ी आप हमेशा न्यूट्रल गियर में ही स्टार्ट करेंगे। आप अगर क्लच में सॉरी गियर में अगर गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी एकदम से आगे जर्क करेगी एंड चांसेस है कि आप आगे वाली गाड़ी या जो भी पोल दीवार कुछ भी उसमें आप गाड़ी ठोक दोगे। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप गाड़ी हमेशा न्यूट्रल गियर में ही स्टार्ट करें। अब जो मेन दिक्कत आती है लोगों को होती है कि फर्स्ट गियर के टाइम पे वो गाड़ी जर्क करती है, तो इसका भी मैं आपको हल बता देता हूँ। देखिए इसकी सिंपल सी एक्सरसाइज मैं आपको एक बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने गाड़ी स्टार्ट करके, ये देख लीजिए मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है, तो इसमें आपने क्लच को, नई गाड़ी है चाहे पुरानी है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे, आपने क्लच को खड़ी गाड़ी पे ज़ोर से प्रेस करना है एंड धीरे धीरे से छोड़ना है। एक बार फिर से कर लेते हैं, अब ये चीज़ देखिए आपने करनी है एटलीस्ट 4 to 5 times, ज़ोर से प्रेस करना है एंड धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है। अब इसका बेनिफिट क्या है, अब क्लच दबाने के टाइम पे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब क्लच आपने दबाया एंड गियर आपने डाल दिया तो जब आप क्लच छोड़ रहे होते हैं उस टाइम पे गाड़ी मारती है आपको जर्क, तो उससे बचने के लिए हमने ये एक्सरसाइज रखी है। इससे होगा क्या कि आपकी जो मसल मेमोरी है पैर की वो बन जाएगी,
अब आपको पता चल जाएगा कि हाँ इतना ट्रैवल हो चुका है, इतना ट्रैवल हो चुका है वापस आते हुए, एंड यहाँ पे जो क्लच है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इससे आपको हिसाब हो जाएगा एंड इसका बेनिफिट आपको मिलेगा कि आपको एक अंदाज़ा होने लग जाएगा, क्योंकि आपके पैर की मसल मेमोरी बन चुकी है, तो इससे आपको अंदाज़ा होने लग जाएगा कि अब यहाँ पर मैंने क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, यहाँ पर आके इसका बाइटिंग पॉइंट है, तो यहाँ से मैंने रेस देनी शुरू कर देनी है। ये चीज़ मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। अब गाड़ी चलाने से पहले आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, और वो है कि जो फर्स्ट गियर होता है वो हर गाड़ी का बहुत ही शॉर्ट एंड टाइट गियर रेशो होता है। अब शॉर्ट एंड टाइट गियर रेशोज होते हैं वो नंबर वाइज नहीं होते, जो शॉर्ट एंड टाइट गियर्स होते हैं उनका ये फंडा होता है कि जो शॉर्ट गियर्स होते हैं उसमें गाड़ी आपके एक्सेलरेटर इनपुट्स को इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करती है। यानी कि फर्स्ट गियर में आपके पिकअप, अब थोड़ा सा भी एक्सेलरेटर दबाएंगे तो बहुत तेज़ पिकअप होती है गाड़ी की, एंड इसका जो नेगेटिव पॉइंट होता है शॉर्ट गियर्स का वो ये है कि जो फ्यूल एफिशिएंसी होती है वो शॉर्ट गियर्स में, यानी कि जो टाइट गियर रेशोज होते हैं उनमें फ्यूल एफिशिएंसी कम होती है। इसलिए आप देखेंगे कि हर गाड़ी में जो शुरुआत के गियर्स होते हैं उनमें फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी कम होती है, एंड जैसे जैसे आप गियर्स बढ़ाते जाते हैं फोर्थ गियर फिफ्थ गियर उसमें आपकी माइलेज काफ़ी अच्छी आती है। तभी हाईवे पे भी जो है जो माइलेज ज़्यादा बेटर आती है बजाय के सिटी के, क्योंकि हाईवे वाले जो गियर्स होते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ जनरली वो टॉल गियर्स होते हैं, उनमें फ्यूल एफिशिएंसी जो है जो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो आपने ध्यान क्या रखना है कि फर्स्ट गियर आपने डाला तो अब आपकी मसल मेमोरी बन चुकी है, अब ये एक्सरसाइज यहाँ पर बेनिफिट देगी, ये आपका बाइटिंग पॉइंट आ जाता है जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप गाड़ी चलनी शुरू हो जाएगी। तो ये अब यहाँ से आप एक्सेलरेटर धीरे धीरे दबाना शुरू कर देंगे। अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। ये हमने गाड़ी करी न्यूट्रल में, गाड़ी हमने स्टार्ट कर ली, अभी हमने डाल दिया फर्स्ट गियर, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होती, लेकिन अब आपको पता है कि यहाँ पे गाड़ी धीरे धीरे चलनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए, अब देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी गाड़ी यहाँ इस पॉइंट पे चलनी शुरू हो जाती है। तो आपने यहाँ तक पैर को लेके आना है, एंड इस पॉइंट से आपने बहुत स्लाइट सा एक्सेलरेटर प्रेस करना है। ये देखिए, ठीक है, इस एक्सरसाइज का आपको बेनिफिट यही होगा। एक बारी मैं फिर से बता देता हूँ, ये आपने दबाया एंड जो गाड़ी है यहाँ पे चलनी शुरू हो जाती है थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ से आपने एक्सेलरेटर को हल्का सा दबाना है, एंड यू विल सी आपकी गाड़ी इज़ रेडी टू मूव, एंड आपको कोई जर्क नहीं आएगा, कोई झटका नहीं होगा, कोई गाड़ी बंद होने का डर नहीं होगा जैसे जनरली लोगों की गाड़ी बंद हो जाती है फर्स्ट गियर छोड़ने पर। तो ये चीज़ आपकी कवर अप होगी। अब जो सेकेंड पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि फर्स्ट गियर तो चलो आपको हो गया क्लियर, लेकिन अब आपने डालना है सेकेंड गियर। यहाँ से जब आप क्लच को छोड़ते हैं सेकंड गियर डालने के बाद, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को झटका लगता है, जर्क आता है गाड़ी में। उसका रीज़न ये है कि आप क्लच बहुत तेज़ी से छोड़ देते हो। अब वो जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी मसल मेमोरी के लिए, उसका एडवांटेज आपको ये है कि अब आप क्लच को थोड़ा धीरे से छोड़ेंगे, एंड आपकी गाड़ी सेकेंड गियर डालने के बाद जब आप क्लच छोड़ेंगे तो वो आपको झटका नहीं मारेगी, तो इस वजह से जो आपकी ड्राइव है वो काफ़ी रिलैक्सिंग हो जाएगी, एंड ऑफकोर्स आपका इंप्रेशन भी काफ़ी अच्छा पड़ेगा कि यार इज़ प्रोफेशनल ड्राइवर। तो मैं आपको एक बारी फिर से करके दिखा देता हूँ। ये करिए हमने गाड़ी स्टार्ट, ये डाला हमने फर्स्ट गियर, अब देखिए कोई झटका नहीं आया। अब सेकंड गियर डाला मैंने, मैंने क्लच को बहुत धीरे से छोड़ा है, ये देखिए। अब ये सड़क थोड़ी सी खड्डों वाली है तो यहाँ पे आपको शायद थोड़े झटके फील हो रहे होंगे, लेकिन गाड़ी ने कोई भी जर्क नहीं मारा एंड स्मूथ प्रोग्रेस रही है। तो आपने क्लच को बहुत धीरे से छोड़ना है सेकंड गियर के बाद। अब यहाँ पे देखिए थर्ड गियर में आप जितनी मर्जी तेज क्लच छोड़ दीजिए, यहाँ पे आपको जर्क नहीं फील होगा, एंड ऑफकोर्स थर्ड गियर ऑनवर्ड्स जो फोर्थ गियर फिफ्थ गियर है वहाँ पे आप जितनी मर्जी तेज क्लच छोड़ दीजिए, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यही आपके बेसिक्स से गाड़ी चलाने के, एंड ऑफ कोर्स नाउ यू आर रेडी टू ड्राइव। अब हमने क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो मैं आपको फिर से एक बारी बता देता हूँ।
गाड़ी हमने हमेशा न्यूट्रल गियर में स्टार्ट करनी है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि जब हमने फर्स्ट गियर डाला उसके बाद हमने क्लच को बड़ी धीरे से छोड़ना है। एंड एक बाइटिंग पॉइंट जो होगा, जैसे आप क्लच छोड़ेंगे, आपने एक्सेलरेटर अभी नहीं दबाया है, तो वहाँ से गाड़ी थोड़ी थोड़ी चलनी स्टार्ट हो जाती है। तो उस पॉइंट से हमने बहुत स्लाइटली रेस देनी शुरू करनी है एंड गाड़ी आपकी मोशन में आ जाएगी। फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी रेस देके डालना है सेकंड गियर। उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि क्लच आपने थोड़ा धीरे से छोड़ना है, थोड़ा सॉफ्टली छोड़ना है। इसका बेनिफिट क्या होगा, आप गाड़ी बंद नहीं होएगी अगर आपने तेज़ी से भी क्लच छोड़ दिया सेकंड गियर पे, पर जर्क आएगा। तो हमने जर्क अवॉइड करना है, तो हमने क्लच को बहुत आराम से एंड वेरी पेशेंटली एंड वेरी सॉफ्टली छोड़ना है ताकि आपको जो जर्क है वो ना आए। एंड उसके बाद ड्राइविंग एकदम रूटीन ड्राइविंग है, आप जितना मर्जी क्लच तेज़ छोड़िए, स्पीड उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, तो उसमें आपको जर्क भी नहीं आएगा। तो मेन सिर्फ फर्स्ट टू गियर्स होते हैं जिनमें लोगों को दिक्कत आती है, एंड उसके बाद यू आर अ प्रोफेशनल ड्राइवर। अब अगर मैं आपको बताऊं कि गियर्स कैसे शिफ्ट करने हैं, तो अराउंड 20 या उससे नीचे आप सेकेंड गियर डाल देंगे। ऑफकोर्स गाड़ी तो आप फर्स्ट गियर से शुरू करेंगे, 0 to 20 में आपका फर्स्ट गियर चलेगा एंड 20 ऑनवर्ड्स आपका सेकेंड गियर आ जाएगा। 30 to 40 के बीच में आपने डालना अपना थर्ड गियर, और 40 to 60 के बीच में आ जाएगा आपका फोर्थ गियर। 40 to 60 फोर्थ के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मेरी एस्पायर है उसमें जो फोर्थ गियर है वो 50 किलोमीटर्स के बाद ही डलता है। उसमें जो इंडिकेशन आती है, उसमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर है, तो उसमें भी 50 किलोमीटर्स के बाद ही उसमें फोर्थ गियर डाला जाता है क्योंकि उसकी गियरिंग टॉल है। एंड उसके बाद 60 अबव आपका हमेशा फिफ्थ गियर रहेगा, ये आप ध्यान रखिए, चाहे वो आपके गियर शिफ्ट इंडिकेटर में आए या ना आए, लेकिन आपने 60 किलोमीटर्स की स्पीड के ऑनवर्ड्स हमेशा आपने फिफ्थ गियर ही रखना है। इसका बेनिफिट आपको फ्यूल एफिशिएंसी पे काफ़ी ज़्यादा मिल जाए एंड आपके एफिशिएंसी पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आने वाला है। तो फोर्थ गियर में आप ज़्यादा गाड़ी को ना खींचें, क्योंकि जनरली टेंडेंसी होती है लोगों की फोर्थ गियर में ही वो 80 या 100 की स्पीड तक गाड़ी चला रहे होते हैं। आपने ऐसा नहीं करना है, आपने 60 के अबव फिफ्थ गियर डाल देना है। और देखिए, गाड़ी चलाना तो आप लोग सीख चुके हैं, लेकिन अब हमने मोड़ कैसे काटने हैं, गाड़ी की ब्रेक्स कैसे यूज़ करनी है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये डाला हमने फर्स्ट गियर, बाइटिंग पॉइंट, एक्सेलरेट किया, बिना जर्क के हमने प्रोग्रेस किया। ये डाला सेकंड गियर, क्लच धीरे से छोड़ा, अभी आ गया थर्ड गियर, फोर्थ, अब सामने एक शार्प टर्न आ रहा है, ठीक है, वहां पे हमने गाड़ी न्यूट्रल में कर देनी है एंड फिर मोड़नी है हमने गाड़ी। नाइस एंड स्मूथ प्रोग्रेस। अब हमने स्पीड देखना है कि 30 किलोमीटर चल रही है, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द थर्ड गियर एंड यू गॉट इट। फिर आप अपनी नॉर्मल प्रोग्रेस करिए, इंडिकेटर्स हमेशा यूज करने हैं अपने। यहाँ भी देखिए, मैंने न्यूट्रल कर ली थी गाड़ी, अब मैंने गियर डाला सेकंड क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी मोशन में थी। आपका जो हाथ है वो स्टीयरिंग पे एकदम फर्म होना चाहिए, आपके कंट्रोल पे होना चाहिए स्टीयरिंग, ताकि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो उसमें आप स्टीयरिंग को कंट्रोल कर सकें, लेफ्ट राइट, हाथ एकदम आपका फर्म रहना चाहिए। अब देखिए, फिर से शार्प टर्न आ रहा है, मैंने लगाया इंडिकेटर, गाड़ी करी न्यूट्रल में, स्पीड थी 30, थर्ड गियर। ब्रेकिंग का मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने एक्सेलरेटर एंड ब्रेक के बीच में अपनी हील रखनी है। तो एक्सेलरेटर से मैंने पैर उठाया भी नहीं, बस पैर की पोजीशन, टो की पोजीशन शिफ्ट की, एंड हियर यू गो, यू गॉट द ब्रेक्स। तो दोस्तों कॉन्ग्रेट्स, अब आपको गाड़ी चलानी आ गई है। अब कुछ चीजें आपने जरूर ध्यान में रखनी है, सीट बेल्ट हमेशा आपने यूज करनी है, जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट की उससे पहले आपकी सीट बेल्ट आपके लगी होनी चाहिए,
सेकंड चीज जो आपने ध्यान में रखनी है कि गाड़ी जब आप रोक रहे हैं, जब आपने ब्रेक्स लगानी है, तो आपने अपना जो गियर है वो न्यूट्रल में कर देना है ताकि आपके झटके कम लगे, एंड ऑफ कोर्स जो गाड़ी बंद हो जाती है झटका खा के वो भी आपके साथ ना हो। ऑफकोर्स ये जो चीज़ है ये ट्रैफिक लाइट्स पे काफ़ी आपको दिक्कत देती है, क्योंकि अगर गाड़ी झटके से बंद हुई तो चांसेस है कि वो आगे वाली गाड़ी में ठुक जाएगी, तो हमें ये चीज़ अवॉइड करनी है। एंड जो तीसरी चीज़ है वो ये कि गाड़ी आपने स्टार्ट करके खड़ी नहीं छोड़नी ज़्यादा देर, क्योंकि उससे इंजन लाइफ पे आपके थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर अप करूँगा। तो ये तीन चार चीज़ें एंड ऑफ कोर्स जो पहले मैंने आपको बताया सारे पॉइंट्स वो आपने ध्यान में रखनी है। अब अगर हम बात करें कि लेफ्ट कॉर्नर की आपने जजमेंट कैसे करनी है, तो उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, उसका कोई तरीका नहीं है। उसकी बेसिक सी चीज़ ये है कि आपने शुरुआत करनी है टाइट पार्किंग स्पॉट्स में पार्किंग की प्रैक्टिस करने की। अब आपको दिक्कत ज़रूर आएगी टाइट पार्किंग करने में, तो आपने उतर के चेक करना है कि आपने आपकी जो जजमेंट है उसने आपका कितना साथ दिया है। तो धीरे धीरे ऐसे जब आप देखते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी जो जजमेंट है लेफ्ट कॉर्नर की वो भी एकदम परफेक्ट होने वाली है। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि आप लेफ्ट कॉर्नर से एक इमेजिनरी लाइन निकाल लो एंड फ्रंट बम्पर से एक इमेजिनरी लाइन निकाल लो एंड उससे आपकी जजमेंट बहुत अच्छी लगेगी। ये सब बकवास है। अगर आपकी जजमेंट शुरुआत में इतनी अच्छी हो जाए तो आपको गाड़ी चलानी सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी एक गॉड गिफ्टेड ड्राइवर हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसका हल यही है कि आपको टाइट पार्किंग स्पॉट से प्रैक्टिस करनी सीखनी है, वहाँ पे आपको लेफ्ट कॉर्नर की जजमेंट अपनी इन्हेंस करनी है। एंड धीरे धीरे कुछ 8 से लेकर 10 बारी करने के बाद आपकी जो लेफ्ट कॉर्नर की जजमेंट है वो एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज आपने सीखा कि गाड़ी आपने कैसे चलानी है, उसकी जजमेंट कैसे करनी है, ब्रेक्स, एक्सेलरेटर, क्लच, ये सारा आपने कवर अप कर लिया। एंड ऑफकोर्स कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर नाउ अ प्रो ड्राइवर। तो ऐसे ही और भी ज़्यादा वीडियोस एंड कार टिप्स के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहिए। एंड मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि क्यों आपकी जो न्यू पेट्रोल कार है वो आपको ज़्यादा माइलेज नहीं दे रही। ये एक स्पेशल सेगमेंट होगा फोर्ड होंडा यूज़र्स के लिए, तो उस सेगमेंट को आप मिस मत कीजिए। एंड ऑफ कोर्स इस वीडियो को अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आया तो अनलाइक भी आप कर सकते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, एंड अगर पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सी यू।